आज का मीटिंग ऐसे हुआ है कि हम लोग का जो लास्ट टाइम का जो अल्टीमेटम जो आपका जो पॉइंट्स जो दिया था, आपका इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और मेंबर, और इसका बाद जो भी आपका जो नीचे में जितना भी ऑफिशियल्स है, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी को आप लोग को ये करना है, उसको ये किया, और बाकी जो ईडी सीबीआई जो इंक्वायरी जो जितना भी होना है उसको आप लोग सीएम का टेबल में रखा है, ये है। आपका इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट किया है आपका आपका, क्योंकि आपका कमीशन्स को डेफिनेटली वो हटाएगा बोला है, बट देन इसका कमीशन्स को ये करने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, और कैबिनेट सिटिंग करेगा, कैबिनेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर लिया कि वो कैबिनेट बैठ के उसका तरफ से ये गवर्नर को लिखेगा, और उसका एम्बिट में जो कैपेसिटी में जो होता है आपका सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऐसो जितना भी ऑफिशल्स है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो सस्पेंड करने का ऑर्डर आपको 2-3 घंटा में मिल जाएगा, ये एक अच्छा आउटकम है। नहीं, सीबीआई इंक्वायरी का इसलिए हम बोला कि पॉलिसी में जो प्रोसीजर लैप्सेस में एक नेचुरल टाइम लगता है, हम सब बियर्स को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा सा तो पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, और उसका जो अभी ये में भी आपका सोशल मीडिया में भी पब्लिक डोमेन में भी घूम रहा है जो सीबीआई रिकमेंडेशन करने वाला, यहाँ से गया वो सेंट्रल में जाएगा, होम मिनिस्ट्री कहीं कहीं में जाएगा, वापस आएगा, और उसको भी एश्योर किया कि डेफिनेटली सीबीआई इंक्वायरी होगा। तो जीरो टॉलरेंस का बात करते हैं सीएम गांधी और गवर्नमेंट, लेकिन अभी सिर्फ यही सीबिल का नहीं है, ट्रिपल लीकेज अभी देखने को आ रहा है कि 10 लोग अरेस्ट हो चुका है सिंस 1992 तक, जयरंग था जो मैंने एक्यूज कह सकते हैं वो है, तो उसके लिए अभी कुछ बातें रखी कि दूसरा एग्जाम्स को भी थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है, यही पेपर लीकेज तो एक इंस्टांस है, देयर आर सो मेनी इंस्टांस की ऐसे इशू हमेशा हिस्ट्री इतिहास गवाह है, तो उस चीज़ को भी हम लोग ओवरऑल मैंने इसमें ऐसे है कि 2014 में एक इंस्टांस हुआ है, 2017 में हुआ है, फिर इसका बाद 2000 अभी हाल ही में हुआ है, उसको हम लोग एक एक एग्जांपल, बट देन अभी जो ये एक नेक्सस है इसलिए हम बोला है कि एक स्टेटमेंट, एक कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है। आज का दिन में कोई भी आदमी अगर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी मिलना है बोलने से, वो ताकि जरंग का फैमिली से अगर कोई शादी करेगा या जरंग कलाम से कोई शादी करेगा उसको पक्का नौकरी मिलेगा, इसलिए हम लोग स्टडी किया है कि एवरी ईयर उसका क्लोज रिलेटिव्स एक दो सिस्टम को धीरे धीरे दीमक इसको सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया, इसलिए हम लोग बोला है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लास्ट टाइम 2014 में जैसे अभी 3-4 एक्यूज को पकड़ा, इसका बाद क्लीन चिट दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2017 में जो पियास्को हुआ है, जो केस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो एस्पेरन का खिलाफ जो केस करके जीत के एग्जाम कराया, उसका ऊपर में भी होना चाहिए। मिनोती बोरांग जो द वाइफ ऑफ तमासारो, उसका ऊपर भी होना चाहिए, हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया, ये है। रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हाई लेवल कमेटी सेटअप किया था 15 दिन, मैंने उस दिन भी आपसे सवाल किया था, आज 21st दिन चल रहा है, उनके तरफ से कुछ सबमिशन का बात हुआ? देखिए, रिपोर्ट का तो ऐसे है, रिपोर्ट का एलू का फाइंडिंग्स नहीं हुआ, इसलिए अभी हम बोला है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट देना वो इतना उसका इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं, SIC अपना काम ढंग से कर रहा है, इसका बाद फिर CBI आएगा, बट इमीडिएट जो दवा है वो ये है कि आपका सस्पेंशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मेंबर, दूसरा हम लोग बोला है कि ऑफिस शटडाउन होना, और नेचुरली जैसे अभी आज ये लोग का जितना भी नीचे डाउन द लाइन जितना भी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा है, इसका मतलब ऑफिस शट है, और ये एश्योरेंस दिया कि कैबिनेट में मीटिंग बैठ के अप्रूवल का साथ गवर्नर को लिखेगा कि मेंबर्स और उसका सेक्रेटरी चेयरमैन को भी सस्पेंड किया जाएगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस शट डाउन है। सबसे पहले तो हम यही कहेगा कि अभी जब ये इशू को अपसु और अंशु जो हम लोग स्पेयरहेड कर रहे हैं तो हम लोग को भरोसा रखी है, और हमारे चलते आज तक जितना भी दिम्बांस है स्पेशली CBI को लेके, एंड देन हम लोग का मेन डिमांड तो वही है कि सिर्फ ये ACBIL का बात नहीं है, ये पूरा APPSC का कंडक्ट का बात है। इसके लिए हम लोग जो चाहते हैं कि पूरा APPSC का जो रिफॉर्मेशन, स्पेशली ये जो प्रेजेंट टीम जो चेयरमैन सेक्रेटरी को लेके जितना मेंबर्स, इनका अंदर में तो कंडक्ट होना ही नहीं है, तो हमारा तरफ से हम लोग ये तय है कि इसका अंदर में तो हम लोग एग्जाम कंडक्ट करने नहीं देगा। और दूसरा, जहाँ तक रिपोर्ट का बारे अगर बात करेगा तो CM साहब ने तो एश्योर किया, हमारे जितना भी डिमांड्स को उन्होंने एश्योर किया, और
हम लोग को यही एश्योर किया कि कल वो जो कमीशन वाला को बुला के बात करेंगे, तो उसका बाद अगर नहीं होता है तो उन्होंने ये भी एश्योर किया कि ये आयरोनिकली एक जो डिसीजन लेने का है जो वो लोग का इम्पीचमेंट का, तो उनको भी गवर्नमेंट का तरफ से पूरा स्ट्रेस देगा। इसलिए हमारा जितना भी डिमांड से सीएम तो मान गया और उन्होंने यही एश्योर किया कि सबसे पहले तो कमीशन का शट डाउन होना है। तो कमीशन का शट डाउन होने के बाद नया जो टीम आएगा उसका साथ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक हमारा एपीसीएस का, तो एसओपी, तो एसओपी का वही एसओपी का हिसाब से एक फिर से बैठक करके फिर नया से बनाना है, क्योंकि ये कमीशन का ऊपर में तो किसी को विश्वास नहीं है। सरकार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है ऐसा प्रोसेस, बट पब्लिक का मानना है कि बाकी इशू की तरह ये भी शायद धीरे धीरे करके गायब हो सकता है, तो एतन आपकी टीम आप लोग इसको किस तरह से हम तो वही कहेंगे जैसे सिंस इसको ये इशू को हम लोग स्पेयर हेड कर रहे हैं, तो हम लोग का रेडर में है सब चीज़। यहाँ में एक हो सकता है कि ऑफिशियल जो प्रोसीड्यूर है एक दो दिन का लेप्सेस आगे पीछे होता है, हर एक चीज़ को जैसे हम लोग चाहता है ऐसे होना है ये भी नहीं है, लेकिन हमारा जो दबाव है हमारा जो प्रेशर है हम लोग खुद मॉनिटरिंग करके हम लोग पर्सनली जो खुद इन्वॉल्व करके सब हमारा रेडर में रख के हम लोग ही गाइड करें इश्यूज़ को। इसलिए पब्लिक को हम वही बोलेगा कि हम लोग पे भरोसा रखो, सिंस हम लोग स्पेयर हेड कर रहे हैं इसलिए बहुत सारा आउटकम्स भी आ रहे हैं, और स्पेशली हमारे वो एक जो डिमांड है आज 2-3 बजे तक आप लोग को व्हाट्सएप में सर्कुलेशन हो जाएगा, जो कमीशन का जो है गवर्नर से होके उनका तो ऑटोनमस बॉडी होने का हिसाब से अगर उनको कल टर्मिनेट भी करने का है तो वो तरीका वो जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके वो गवर्नर जो अपॉइंट करते तो गवर्नर का ये एम्बिट में है, लेकिन जो गवर्नमेंट का एम्बिट में जो है सेक्रेटरी से लेके बाकी आपका जितना एपीसीएस का स्टाफ लोग को, तो सस्पेंशन का ऑर्डर आज शाम तक मिल जाएगा आप लोग को। अब प्रोसेस जो गवर्नमेंट का होता है काफ़ी लंबा होता है, कहीं ना कहीं कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है उसको तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आई गेस आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग ये फियास्को होते समय में ऑलरेडी एवी सिविल का एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और 5 और दूसरे पोस्ट लेडी नर्सिंग ऑफिसर वेटरनरी ऑफिसर वो सबको भी कैंसिल कर दिया गया है, तो आप लोगों की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा इन जो एक्सपीरियंस है जिनका मतलब ईयर भी लॉस हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ कमेटी या फिर कुछ गठन करें ताकि इन लोग एग्जाम टाइम पे हो जाए और इनका साल लॉस ना हो, ऐसे कुछ आप लोग लेंगे इनिशिएटिव? एग्जैक्टली इसको लास्ट टाइम हमने आप सुने अनसुने हम लोग जो है यही डिसीजन लिया कि वन टाइम रिलैक्सेशन, और सबसे पहला तो अभी हमारा ये कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में यही है कि आपका फिलहाल के लिए कमीशन शट डाउन होना है, पहले ये हो जाओ तो एक नया टीम नया कमीशन का साथ हम लोग बात करके स्पेशली जिसका टाइम लेफ्ट आउट हो गया, हम नहीं चाहता है कि हमारा कोई भी जो एस्पायरेंट जो विक्टिम बनो, तो उसके लिए आपसू का दरवाज़ा हमेशा खुला है।